हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फाइनली टाइम आ गया है आईफोन अपग्रेड करने का। वेल, दिस इज द आईफोन विच आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम लास्ट वन ईयर। आपको पता ही है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो डेडिकेटली ट्विटर के ऊपर भी, तो आपको पता ही है कि मैंने आईफोन 12 मिनी के बारे में कंप्लीट ईयर बात किया था, कैसा था फोन, कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। और अभी तक आपने आईफोन 13 मिनी के मतलब अनबॉक्सिंग्स तो काफी देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो या फिर इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एक प्रैक्टिकल तरीके से यूज करेंगे इन फोन्स को। मतलब मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा, बिकॉज अनबॉक्सिंग इज इन द बिगेस्ट थिंग। मतलब आपको सिर्फ फोन दिखा के कोई फायदा नहीं है, मैं प्रैक्टिकली इन फोन्स को यूज करूंगा और फिर बताऊंगा कि भाई मेरा प्राइमरी फोन अगर 13 मिनी है तो क्या है मेरा ऑनेस्ट फीडबैक, किस तरह से मुझे बैटरी एक्सपीरियंस है, किस तरह का गेमिंग एक्सपीरियंस देखने मिला, कैमरा में क्या क्या चेंजेस है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। सिर्फ 30 सेकंड्स में हम लोग करते हैं पहले इस फोन की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि पैकेज के कंटेंट्स क्या क्या है। दोस्तों, ये है नया बॉक्स। अभी आपको पता ही होगा कि एप्पल ने चार्जर तो निकाल दिया है बॉक्स में से, और ये काफ़ी स्लिम हो चुका है। यहाँ पर क्लियर डिटेल्स है कि डेट, एड्रेस और नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास जो वेरिएंट है दैट इज़ इन द मिडनाइट 512 GB। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये है यहाँ पर इसका नया स्टिकर, जिसको हमें पहले प्लास्टिक होता था, अभी उसमें से यहाँ पर इन्होंने रिसाइकलेबल पेपर लगा दिया है, तो अब बहुत ही आसानी से आप इसका सील खोल सकते हो। जैसे ही बॉक्स खोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रही है। दिस इज़ द डार्क मिडनाइट ब्लैक वेरियंट और ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ ये फ़ोन मिलता है। हालांकि डिज़ाइन एस्पेक्ट में से अगर हम देखते हैं तो साइज़ तो सेम है आईफोन 12 मिनी के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज है। आगे बढ़ते हैं तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक टाइप सी टू लाइटनिंग केबल और उसी के साथ साथ कुछ रीडिंग इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स प्लस एक सिम एजेक्टर पिन। सबसे पहले चीज तो मैंने जो की इस फोन के अंदर वो थी मेरा डेटा ट्रांसफर, एंड दैट वाज सुपर इजी, दो इट टुक 1 आवर, क्योंकि मैंने यहां पर बीटा ओएस इंस्टॉल किया हुआ है और उसी के साथ साथ मैंने यहां पर पुराने आईफोन से यहां पर डेटा ट्रांसफर किया, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 70 GB डेटा। और सारे के सारे एप्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप कंटेंट, ऐप लॉगिन्स, सब कुछ कॉपी हो जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी। इन शॉर्ट, एप्पल ने कंप्लीटली क्लोन बना दिया पुराने फोन से इस फोन में। बेसिकली बॉडी बदल गई, लेकिन अंदर कंप्लीटली सेम कंटेंट आपको मिल जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी इफ यू आर स्विचिंग टू ए न्यू आईफोन, आपको कंप्लीट डेटा का बैकअप मिल जाता है। अब लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, मैं डायरेक्टली बात करता हूं अपने इनिशियल इंप्रेशंस को लेकर। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया था कि मेरी गेमिंग वीडियोस के एक्सपीरियंस, कैमरा एक्सपीरियंस, बैटरी जो मैं एक्चुअली टेस्ट कर रहा हूं अलग अलग कंडीशंस में, इन सब को लेकर मैं अलग अलग वीडियोस लेके आऊंगा आने वाले दिनों में। एंड बैटरी के पॉइंट ऑफ में आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड, बट लेट्स शेयर दैट विथ अ रियल डेटा पॉइंट जब हमारे पास कंप्लीट डेटा आ जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नया डिस्प्ले है ये बेटर है, लेकिन लेट्स डिग इनटू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द न्यू डिस्प्ले एंड द स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इस फोन के इंटरनल्स की, देन दिस इज पावर्ड विद द लेटेस्ट एप्पल चिपसेट। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको मिलता है 5.4 इंचेस का यहाँ पर सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले, जहाँ पर HDR10 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, एंड यहाँ पर 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाता है, जो इस फोन में काफी अच्छा लगता है व्हेन कंपेयर्ड विद द 12 मिनी। अगर हम बात करते हैं रैम की, तो यहां पर 4GB रैम आपको मिल जाता है, उसी के साथ साथ चिपसेट है एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट, और यहां पर अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस है 128GB, 256GB और 512GB, और मैंने यहां पर 512GB का ऑप्शन यहां पर आपको दिखाया है। अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो यहां पर आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है विच इज 12 MP कैमरा, और उसी के साथ साथ यहां पर फ्रंट में भी आपको 12 MP का कैमरा मिल जाता है। एडिशनली यहां पर आपको 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, विच मींस दैट कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल बहुत ही अच्छी बात एप्पल ने जो की है वो ये नहीं कि भाई 13 और 13 मिनी में कम फीचर्स दो और 13 प्रो और मैक्स में बेस्ट फीचर्स दे दो। यहां पर सिनेमैटिक मोड भी इस फोन के अंदर अवेलेबल है, मतलब छोटे पैकेज में भी आपको सब कुछ मिल जाता है। और एडिशनली अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर इस फोन के अंदर 2438mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, और उसी के साथ साथ फ्रंट और बैक में आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ओवरऑल एक पावर पैक्ड स्मार्टफोन है, जहां पर आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। यहां पर जो ये फोन है उसका कैमरा बम्प है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, मतलब बेसिकली बाहर प्रोट्रूडिंग कैमरा है, और आईफोन 12 मिनी का जो मेरा केस है वो इसके ऊपर भी काम नहीं कर रहा है, एंड दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आईफोन 12 मिनी से 13 मिनी जा रहा हूं, तो आपका केस काम नहीं करेगा, लेकिन स्टे ट्यून्ड, आने वाले दिनों में हम लोग अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम गाइज, मैं आपको ये बता सकता हूं कि
एज ऑफ नाउ देर हैज बीन नो कंप्लेंट्स, आई मीन जीरो कंप्लेंट्स, एंड कैमरा भी काफी इंप्रेसिव लगा मुझे बिकॉज अभी नवरात्रि चल रही है, डांडिया चल रहे हैं और मैंने लो लाइट में भी यहाँ पर वीडियोज निकाले. सिनेमैटिक मोड इज नॉट दैट इंप्रेसिव जितना मतलब बताया जा रहा है, बट मे बी दैट्स माई एक्सपीरियंस इन द लो लाइट. लेकिन रेगुलर डे लाइट में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है. लेकिन स्टे ट्यून्ड, आने वाले दिनों में हम लोग हर एरिया के ऊपर बात करेंगे. आप लोग नीचे कॉमेंट कर दीजिए क्योंकि आपके अगर सवाल रहेंगे उन स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर तो उनके जवाब भी मैं आने वाले दिनों में इसी आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर शेयर करूंगा. तो कीप शेयरिंग ऑल योर कॉमेंट्स वॉट एवर यू हैव स्पेसिफिकली अराउंड द आईफोन 13 मिनी विच I officially have it in my hands. Guys, अब हम बात करते हैं छोटे से सरप्राइज की. और अगर आप जानते ही हो तो मैंने iPhone 12 में से 13 mini में अपग्रेड तो किया है, लेकिन now I'm doing a giveaway of this 12 mini smartphone. और giveaway के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, आपको वीडियोस को लाइक करने हैं और यहाँ पर मैं बनाऊंगा 3 टोटल वीडियोस. दिस इज द अनबॉक्सिंग डेफिनेटली, उसके बाद अगला वीडियो आएगा बैटरी टेस्ट को लेकर और उसके बाद रहेगा मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस iPhone 13 mini को लेकर, जहां पर क्या आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में कंप्लीट एक्सपीरियंस. तीनों के तीनों वीडियो में आपको 5000 लाइक्स का टारगेट है, मतलब हर वीडियो में 5000 लाइक्स आने हैं 30 डेज के अंदर, जिसके बाद ये गिव अवे लाइव हो जाएगा और आप में से कोई एक जीत सकता है ये काफी अच्छे बढ़िया कंडीशन में, मतलब ऑलवेज इन ए गुड केसेस ये नया iPhone 12 मिनी स्मार्टफोन. सो आई जस्ट विश, अगर आपने ज्वाइन किया है गिव अवे तो नीचे अपना कमेंट कर दीजिए आपके थॉट्स को लेकर iPhone 13 मिनी को लेकर, प्लस अपना टेलीग्राम आईडी ताकि हम आपको सेलेक्ट कर सके विनर की तरह. तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.